अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो advancedcs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम जुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि पाइथन में हम स्ट्रिंग्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर वर्किंग कॉपी वेरिएबल्स की ही है। यहाँ पर हम डिफाइन करके देखते हैं स्ट्रिंग्स को। कोई भी एक वेरिएबल ले लेती हूँ, एक स्ट्रिंग मेरे पास एस है, इसको मैं डबल कोट में यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग डिफाइन कर लेती हूँ। दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक हो गया। यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग आ गई मेरी, जो कि मैंने अभी भी डिफाइन किया। अब हम इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एस, ठीक है। इसको ज़रा सेव करते हैं और फिर रन करते हैं इस कोड को। तो अब देखेंगे मेरे पास ये अभी आउटपुट में शो हो गई है, दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसको शो कर सकती हूँ। हम यहाँ पर इसको सिंगल कोट से भी शो कर सकते हैं और डबल कोट से भी शो कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आप सिंगल कोट को इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रिंग को डिफाइन करने में या आप डबल कोट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखेंगे, मैंने दोबारा रन किया और हमारे पास रिजल्ट जो है वो सिंगल कोट से भी सेम आया है, दिस इज अ स्ट्रिंग। तो चूंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग्स हैं पाइथन में वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होती है स्ट्रिंग्स की। यहाँ पर अगर हम अपनी स्ट्रिंग्स में हम एस्केप कैरेक्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसके बाद बैक स्लैश एन लगाना है नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए, तो मैं वो भी लगा कर अगर मैं इसको सेव करूँ और रन करूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे दिस इज आप स्ट्रिंग जो है वो मेरे पास नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। यहाँ पर चूंकि स्पेस थी, इस वजह से वो स्पेस के साथ मुझे उसको दिखा रहा है। इसके अलावा हम एस्केप कैरेक्टर के बजाय हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको दोबारा से डबल कोट्स में ही कर देती हूँ। हम अपनी स्ट्रिंग में कोई वेरिएबल्स को भी शो करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक वेरिएबल डिफाइन कर लेती हूँ, नंबर उसकी वैल्यू हम रख लेते हैं सपोज 42, और मैं उसको यहाँ पर अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो उसको यहाँ पर प्रिंट करवाने से हमारे पास जो मेथड होता है वही होता है कि हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं। जहाँ पर भी हम वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद में डॉट फॉर्मेट और उसके अंदर इस वेरिएबल का नेम। इस तरह से हम जो है वो स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं। हम यहाँ पर सेव करके रन करके इसको ज़रा चेक करते हैं। तो आप देखें कि दिस इज ज़ा, उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट को डिफाइन किया है यहाँ पर उसने मेरे पास एक वेरिएबल के नेम को डिफाइन कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो 42 प्रिंट हो गया है। यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्मेट है वो असल में एक हमारे पास फंक्शन है, मेंबर फंक्शन हम इसको कह सकते हैं स्ट्रिंग क्लास का। इसका स्ट्रिंग क्लास का एक मेंबर फंक्शन हमारे पास फॉर्मेट है, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवा सकें। हमारे पास जो पाइथन 2 है उसमें जो मेथड है परसेंटेज एस के साथ, वो अब मेथड जो है वो मे बी आने वाले पाइथन में पाइथन के वर्जन में ऑब्सोलीट हो जाए, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर भी डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल पाइथन 3 में हम इस फॉर्मेट को इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल्स में, स्ट्रिंग में वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने के लिए। इसके अलावा स्ट्रिंग हमारे पास जो है वो सिंगल कोट में भी डिफाइन हो सकती है, डबल कोट में भी, लेकिन इसके अलावा हम उसको ट्रिपल कोट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ट्रिपल यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाती हूँ तो इस वे में भी मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग को मैं डिफाइन कर सकती हूँ। अगर मैं इसको ज़रा सेव करके रन करती हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास रिजल्ट में क्या आया। तो आप देखेंगे मेरे पास रिजल्ट में जो है वो वही स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है। यहाँ चाहे मैं इसको अगर सिंगल कोट की बजाय मैं यहाँ पर इसको 3 डबल कोट्स में भी इस तरह से प्रिंट करवा सकती हूँ, दोनों साइडों पर डबल कोट्स लगा कर भी। इसको दोबारा से हम सिंगल कोट्स में कर देते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग्स को मल्टीपल वे में इनिशियलाइज करवा सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।